नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका सेंटर बैक सेंटर में था और जो कि रोरकी अंबाला का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो 28 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए हम उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेंज ऑफ अग्नि VI मिसाइल इज, बहुत ही जी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, और ये साइंस का क्वेश्चन है। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स महालवारी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, बहुत ही जी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर दोस्तों? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया, बहुत ही जी क्वेश्चन है देख सकते हैं हम दोस्तों, ये सभी को पता ही होगा इसका राइट आंसर। यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, ए कंटेम्पररी रिवर डायनेसिटी ऑफ द चोलाज इन साउथ इंडिया वाज, क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर को? यस, बहुत ही जी क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा। यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोलक्याज ऑफ कल्याणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, इन द बेस्ट हिंदी फिल्म कैटेगरी विच फिल्म वॉन द 66th नेशनल अवार्ड इन 2020, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, अमर कर्नाटक एंड प्लेट्यू इन द मैकल मार्क इन द ओरिजिन ऑफ द रिवर, यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नर्मदा या गंडक या घग्गर या चंबल? यस, क्वेश्चन नंबर सी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रुटो आर एसोसिएटेड विद, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन का? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक एंड एस्चुरी, बहुत ही जी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी ARO का पेपर हो आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का हमारा? यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन सेटअप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन का? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कॉन्टिनेंट इज द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसविनी पोनप्पा इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, चूज द करेक्ट आंसर, बहुत ही जी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? यस, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी को जो यहाँ पर चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, द कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाय, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थर्ड क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों आपको पूछा गया है जो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दोस्तों दिल्ली चलो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदानी डेन का जौनपुरा इन अजमेर वाज बिल्ट बाय, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रूटा स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट विच लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बुलेट फ्रॉम द राइफल हैज, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है क्वेश्चन? ए बुलेट फ्रॉम द राइफल हैज यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वल्केनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर? चार्लीज गॉड गुड ईयर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बोटोनिकल नेम ऑफ टी ए इज, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यस, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा यहाँ पर क्या राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी फ्यूचर फेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फॉरेस्ट इन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का? स्टील, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी में, और ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेक्टिलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, डेक्टिलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हैंड राइटिंग फिंगर प्रिंट, क्या हो जाएगा दोस्तों? हैंड राइटिंग फिंगर प्रिंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहने वाला, फिंगर प्रिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस इज मेड ऑफ, लेंस किसका बना हुआ है दोस्तों? ऑर्डिनरी ग्लास या पायरेक्स ग्लास या फ्लिंट ग्लास या कोबाल्ट ग्लास यस, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों? फ्लिंट ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर इज, यस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलिनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखते हैं क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, और ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं क्या है, इन्वर्टर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट,
ये दोस्तों आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम आपकी तक कितनी तैयारी हुई है अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गंवाएं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द कॉमन नेम फॉर पोटेशियम कार्बोनेट इज। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा यहाँ पर क्या राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को जो चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट टेम्परेचर ऑफ 2295 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, तो क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71.33 डिग्री एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ से दोस्तों मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों का फुल सॉल्यूशन वीडियो लेकर आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर लेकर आऊँगा। देखते हैं किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन हैं। विद एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हॉर ए ट्रेन रीच इन द डेस्टिनेशन इन टाइम इफ़ इट गोज विद एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर हॉर इट इज़ लेट बाय 15 मिनट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो ये, तो इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर है 70 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइव मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल सिक्स मैन कम्प्लीट द सेम वर्क। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे यहाँ का। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, 10 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग मिक्सड नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 6×12/5, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का, ये देखना है आपको। यस जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन हुज एरिया इन 5625 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 का, यस जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम बॉयज ए न्यूज़पेपर ऑफ RS 0.50 डेली, हाउ मच मनी ही विल टू पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर, यस जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चूज़ कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.50 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिवीजन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट मीन्स इज ऑलवेज, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर, यस जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर, बी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है, सॉल्व द सीक्वेंस ऑफ 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65 क्वेश्चन मार्क, तो दोस्तों क्या आएगा इसके आगे 65 के आगे दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसमें, तो क्या आएगा दोस्तों 129, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई एंड वेयर वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर यहाँ पर, यस जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3 इज, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर यहाँ पर, यस जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। इफ़ द रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा पी इज इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। इन ए एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट नीड 40% मार्क, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, ए कैन ए कैंडिडेट जस्ट पास बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्ट बाय अटेम्प्टिंग 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन द एग्जामिनेशन। देख सकते हैं आप किस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यस, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्या आएगा दोस्तों? 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 2.81 प्लस 0.002 प्लस 0.01 क्वेश्चन मार्क। यस, क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल कर यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी, हम थोड़ा पीछे आ गए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्या है दोस्तों? 43 क्वेश्चन हमारा, इफ़ प्लस एंड ब्रैकेट 1/v देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर यस। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबलेट एंड देयर चेयर इन RS 3500, द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर इज RS 4000, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल इज, तो क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर निकल कर यस 1500, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ए बिजनेसमैन अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज ग्लू टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8%, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वंस देन कम इन द सेकेंड लास्ट क्लियर कॉन्ट्रेस्ट बूस कॉन्स्टेंटली चेकड, तो 46 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज आउट द ऑड वन, इनमें से दोस्तों हमें ऑड नंबर छांटना है, तो कौन सा होगा दोस्तों? 47 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर बार बार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज ए बी डी एंड फिल इन द ब्लैंक्स कैपी, तो क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 48 में यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आएगा दोस्तों जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए डब्ल्यू ए इज रिटन एज ए वी डी जे डी एंड देन इन द सेम मैनर फ्रेंड विल बी रिटर्न एज, फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा दोस्तों फिर? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑड वर्ड, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? यस, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी जीडी में। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें,
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।